हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर वेल। अगर वेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आई प्रे टू गॉड टू ब्लेस यू ऑल। आज मैं आपको अपना स्टडी रूम दिखा रहा हूँ। ये ग्लोब मैं 2019 में वर्ल्ड बुक फेयर से खरीदा था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उद्देशिका इसका इंग्लिश वर्जन है। एंड ये पोस्टर हमारे राष्ट्रपिता द फादर ऑफ द नेशन, इनका कोट है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम इंडोमिटेबल विल। इसका मतलब शारीरिक क्षमता से जो है वो ताकत नहीं आता है, ताकत जो है वो अदम्य साहस से, मतलब असाधारण शक्ति से, इच्छा शक्ति से आती है। और ये उद्देशिका है जिसे हमारे संविधान का सार कहा जाता है। इसका मतलब कि इतने बड़े संविधान, जो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा संविधान भी है, अगर इस संविधान को अगर कम शब्दों में समझना है पूरी तरह से, तो इस उद्देशिका को जान ले, समझ ले, तो पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में आखिर है क्या। और नीचे आ जाते हैं, ये लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी कहते हैं इसे। और जो भी सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करता है तो मसूरी में यहाँ पे उनका फर्स्ट ट्रेनिंग होता है सभी कैंडिडेट का, और इसे तो सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर कुछ कोट्स हैं, जैसे कि डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। बिल्कुल सही बात है कि जो भी करना है अभी कर डालो, क्योंकि हम कभी पर टाल देते हैं और वो कभी कभी नहीं आता, तो इसका अर्थ यही है। और यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो कि बहुत फेमस लाइन है, स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टूडे इज माई डे। APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, जिनके डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस। यूनाइटेड नेशंस इसकी घोषणा की थी 2010 में, तो 2010 से 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाने लगा है। और नीचे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको भी कौन नहीं जानता, चाहे सापेक्षता का सिद्धांत हो, चाहे लाइट एंड इलेक्ट्रिक इनोवेशन हो, इनमें विश्व प्रसिद्ध हैं इनके सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे जीनियस व्यक्तियों में शुमार हैं, बट यस, बचपन में ये कमजोर थे, बहुत कमजोर थे। इनके अध्यापक तो कभी कभी इनको मानसिक रूप से विकलांग कह दिया था। और बगल में गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं तो ये फिजिकल मैप है, भौतिक नक्शा वर्ल्ड का, और ये जो है वो इंडिया का फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप जिसमें नदियों, पठार, पहाड़, मरुस्थल वगैरह के बारे में दिया रहता है डिटेल में। और थोड़ा साइड आते हैं तो ये रहा वर्ल्ड मैप, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है, जिसमें यहाँ पर रूस, और जिसको रशिया कहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे यूक्रेन है, जो कि अभी दुनिया में बहुत फेमस हो गए कंट्री, एक प्रकार का दोनों में एक क्राइसिस चल रहा है, वर्ल्ड जानती है इनको। और यहाँ से आ जाते हैं हम पॉलिटिकल इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे, जिसको हम राजनीतिक नक्शा कहते हैं। पॉलिटिकल मैप यानी कि जिसमें स्टेट एंड कैपिटल और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियों के बारे में रहता है, जानकारी दी हुई रहती है इसी में। और ये हमारा स्टेट महाराष्ट्र है, जो कि अरब सागर के तट पे है, ये मुंबई इसकी कैपिटल है, राजधानी है, जिसे इंडिया का फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी, क्योंकि यहाँ पे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ये मुंबई पूरी तरह से समुद्र किनारे है, और इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं,
क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो सबसे पहले यहीं से प्रवेश किया था वो भारत में, तो इसीलिए से प्रवेश द्वार कहा जाता है। उस समय इसका नाम बॉम्बे था, हालांकि अभी भी यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसको बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, बट यस आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक्स अगेन।